बिहार के नवनियुक्त कानून मंत्री कार्तिकेय जी सवालों के घेरे में हैं और उन पर सवाल उठाया जा रहा है पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। सर, आपने उनके ऊपर तो सवाल उठाए ही है, साथ ही साथ एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी पर भी सवाल उठाया, क्या दलील है आपकी? बहुत जिम्मेवारी से मैंने कहा है। पहले तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि नीतीश बाबू, आपने जिस कार्तिकेय जी को बनाया है अपना कोट अनकोट सुयोग्य कानून मंत्री, वो अपहरण के आरोपी हैं। 364 जिसकी सजा हो सकती है आजीवन कारावास या 10 साल, 365 एक्सटॉर्शन। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जो मैं चाहता हूँ इस बात को बताया जाए कि ये देखिए, 16/2017 को उनका बेल रिजेक्ट हो गया पटना हाईकोर्ट के द्वारा, बीटा थाना नंबर 859 ऑफ 2014। कहा गया कि आपके खिलाफ विक्टिम ने कहा है कि आपने किडनैपिंग कराया मजिस्ट्रेट के सामने 164 में। कहा गया आप सरेंडर करिए, आप 5 साल सरेंडर करते नहीं हैं। बाद में आप क्वाशिंग में आए, वो भी रिजेक्ट हो गया। तो ये बताइए कि फिर दानापुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आपको एक आदेश कैसे देते हैं? ये देखिए, टाइप कॉपी है, ये उसकी ओरिजिनल कॉपी है, ये कहीं साइट पे नहीं है। इस सीक्वेंस को कैसे जोड़ना चाहते हैं आप? कोई पावर ही नहीं है एडीजे को। 16 अगस्त को सरेंडर करना था, इनका नाम तय हुआ तो कहा कुछ करो अपने को बचाने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, माननीय पटना उच्च न्यायालय को इसका संज्ञान स्वतः लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता प्रोसीडिंग, यह अनुशासनहीनता की गंभीर कार्रवाई, तो उनको 16 को सरेंडर करना पड़ता, पुलिस गिरफ्तार करती। तो यही तो कह रहा हूं, ये कैसा कानून मंत्री दिया सुशासन बाबू आपने, नीतीश बाबू, ये क्या हो रहा है बिहार में, ये कितनी शर्मनाक बात है। तो कानून मंत्री के ऊपर गंभीर सवाल यहां पर उठाया जा रहा है और एक तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है।